नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है मिसलेनियस वीव स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट, क्योंकि हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स को अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। मिसलेनियस वीव स्ट्रक्चर वो संरचनाएं होती हैं जिसमें बेसिक दो या दो से अधिक बेसिक वीव्स को मिलाकर प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, और जो वो प्रभाव उत्पन्न होता है वो मिसलेनियस वीव स्ट्रक्चर में आता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रेप वीव। मिसलेनियस वीव स्ट्रक्चर में हम चार तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे क्रेप वीव, हनीकॉम वीव, मॉकलिनो वीव और हका बैक वीव। क्रेप वीव में एक उपयोगी किस्म की साधारण बुनाई का निर्माण करते हैं, और इन्हें क्रेप या ऑटमिल कपड़ों के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो सरफेस की संरचना है वो क्रिंकल्ड यानी रफ तरह की होती है, और वो दिखने में स्पंजी टाइप हमें दिखाई देता है। फैब्रिक की जो सरफेस हम देखेंगे तो वो कुछ कुछ स्पंज जैसी हमें दिखाई देती है। क्रेप बुनाई में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इस बुनाई में कोई भी ट्विलिंग प्रभाव नहीं होता है। वे एक कपड़े को स्पॉट या बीज से ढकने का आभास, एक छोटे छोटे बीजों को, इसकी सरफेस, फैब्रिक की जो सरफेस है वो ऐसा आभास देती है जैसे उस पर छोटे छोटे बीज बिछे हुए हों। स्पॉट या बीज का प्रभाव, जिसमें अधिकतम फ्लोट्स की लंबाई कम होती है, छोटे फ्लोट्स इसमें होते हैं। क्रेप बुनाई एक स्पंज बुनाई का भी उदाहरण है। क्रेप प्रभाव को क्रेप यार्न यानी कि अत्यधिक ट्विस्टेड, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो, हाईली ट्विस्टेड यार्न या क्रेप वीव के उपयोग से प्राप्त किया जाता है, या कभी कभी फिनिशिंग की ऐसी विशेष प्रक्रिया जैसे कि एम्बॉसिंग, उससे भी क्रेप इफेक्ट प्राप्त किया जा सकता है। क्रेप वीव्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के रूपों में किया जाता है, जो कि अंतिम उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार या उसकी वांछित बनावट के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि क्रेप वीव के निर्माण में कई विधियां कार्यरत हैं, लेकिन चार विधियां मुख्य रूप से कार्यरत हैं। ये है सबसे पहली, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेप वीव्स अपॉन साटिन बेस, यानी साटिन बेस पर क्रेप वीव्स का निर्माण कर। दूसरी विधि है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्लोटिंग वीव विद प्लेन थ्रेड्स, यानी कि सादे धागों के साथ एक फ्लोटिंग बुनाई का संयोजन करके। तीसरी विधि है बाय रिवर्सिंग ए स्मॉल मोटिफ, यानी कि एक छोटी आकृति को उलटकर क्रैप व्यू बनाया जा सकता है। देन चौथा मेथड है बाय इंसर्शन ऑफ वन वीव ओवर अनादर, यानी कि एक पर दूसरी बुनाई का सम्मिलन करके भी क्रैप व्यू का इफेक्ट बनाया जा सकता है। पहला मेथड है साटीन बेस पर क्रेप वीव का निर्माण, यानी बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेप वीव अपॉन साटीन बेस। इसके लिए हमें सबसे पहले एक साटीन बेस का निर्माण किया जाता है, जिसमें यहाँ पर हमने एट एंड रेगुलर साटीन बेस बनाया है, और उसके लिए जो स्पॉट साइज यानी जो मोटिफ हमने लिया है वो 2x2x3 पर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उसके अनुसार हमने एक स्पॉट लिया है। फिगर ए में जहां सबसे पहले हमने एट एंड सटीन बनाया है 3 नंबर काउंटिंग के साथ, इस तरह एक सटीन हमारा तैयार हो गया है। फिर हम इस पर सेकंड बी फिगर में देखिए, सटीन मार्क पर जो सटीन मार्क लगे हुए थे उसी के ऊपर हमने जो अपना मोटिफ लिया है उस मोटिफ को प्लेस कर दिया है, यानी जो मोटिफ में सर्किल लिया था उसको हमने सटीन मार्क पर लेते हुए बाकी मार्क क्रॉस के हमने इस पर फिल कर दिए। तो इस तरह हमारा ये क्रेप व्यू अपॉन सटीन बेस तैयार हो गया है। क्रेप व्यू बनाने का दूसरा मेथड है बाई कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्लोटिंग वीव विद प्लेन थ्रेड्स, यानी सादे धागों के साथ एक फ्लोटिंग बुनाई का संयोजन। इस विधि में फिगर में दिखाए अनुसार, फिगर बी में हमने वांछित क्रेप प्रभाव प्राप्त करने के लिए सादे बुनाई पर एक फ्लोटिंग बुनाई डाली गई है।
फिगर ए में पहले सादे थ्रेड्स के साथ एक फ्लोटिंग वीव जो हमने लिया है, जो कि फोर एंड इरेगुलर साटिन है, उसको हमने दिखाया है फिगर ए में। उसके बाद चुनी हुई फ्लोटिंग वीव और प्लेन वीव का जो संयोजन है उसको फिगर बी में दिखाया गया है। कॉम्बिनेशन प्लेन वीव और फ्लोटिंग वीव को कंबाइन किया गया है। फिगर सी में फोर एंड इरेगुलर सटीन अलग से दिखाया गया है और फिगर डी में जो फ्लोट बनता है, यानी कि जो क्रैप इफेक्ट हमें जो प्राप्त होता है, जो मोटिफ हमें मिलता है, उसको दिखाया गया है कि वो किस तरह मोटिफ बना हुआ है। और ये पूरे व्यू में हमें नजर आएगा, जिससे कि ये क्रैप व्यू तैयार हुआ है। तीसरा मेथड है बाय रिवर्सिंग ए स्मॉल मोटिफ, यानी एक छोटी आकृति को उलटकर क्रैप इफेक्ट बनाना। इस तरीके में एक साधारण मोटिफ लिया जाता है, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है। फिगर में को एक अंतराल पर उलट दिया जाता है ताकि अनियमित प्रभाव प्राप्त हो सके, जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया है। क्रैप व्यू का निर्माण एक छोटे मोटिफ के द्वारा फिगर ए में एक साधारण रूपांकन दिखाया गया है, और फिगर बी में अनियमित अंतराल पर मोटिफ को रिवर्स करके डिजाइन बनाया गया है। देखिए, यहाँ पर फिगर में पहले हमने एक मोटिफ लिया है। इस मोटिफ को जो हमने वीव साइज लिया है वो 8x8 लिया है, और इस मोटिफ को 4x4 के सेक्शन में, एक सेक्शन में, इस 8x8 के सेक्शन को हमने 4x4 के चार सेक्शंस में बांटा है। और पहले सेक्शन में हमने इस मोटिफ को दो बार रखा है। देखिए इस तरह, एक बार फर्स्ट यहाँ से एंड से स्टार्ट किया और उसको अगले उसमें रिवर्स कर दिया, और इस तरह हम चारों सेक्शंस में इसको रिवर्स करते हुए प्लेस कर देते हैं और जो हमें इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट हम इसमें बना लेते हैं। चौथा मेथड है बाय इंसर्शन ऑफ वन वीव ओवर अनादर, यानी एक पर दूसरे बुनाई का सम्मिलन। इस विधि में दो अलग अलग बुनाइयां चुनी जाती हैं और फिगर में दिखाए अनुसार वांछित क्रेप प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर इनको प्लेस किया जाता है। अनियमित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कम से कम एक बुनाई अनियमित होनी चाहिए, और यदि दोनों ही अनियमित हों तो और भी बेहतर है। इस विधि में आमतौर पर साटिन डेरिवेटिव का ही उपयोग किया जाता है। एक दूसरे पर बुनाई की प्रविष्टि द्वारा बुनाई का निर्माण निम्न प्रकार से करते हैं। फिगर ए में एक साटिन व्युत्पन्न, यानी साटिन का डेरिवेटिव दिखाया गया है, जो कि 8 एंड पर काउंटिंग नंबर 3 के साथ बनाया गया है। फिगर बी में 4 एंड इरेगुलर साटीन दिखाया गया है और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया गया है। देखिए, फिगर ए में हमने डेरिवेटिव लिया है, पहले एक साटीन व्यू 8 थ्रेड साटीन काउंटिंग नंबर 3 के साथ बनाया, और उसके बाद एक मार्क हमने राइट साइड में, हर साटीन मार्क के साथ राइट साइड में एक सर्किल का मार्क लगाकर इसको डिराइव किया है। उसके बाद बी एक दूसरा मोटिफ हमारा वीव है जिसमें इरेगुलर 4 एंड सटीन है। देखिए, इसको हमने बनाने के बाद में एक दूसरे के ऊपर इसको प्लेस करना है, और इसको प्लेस करने के बाद वीव सी हमारा प्राप्त होता है, जो कि क्रैप वीव है। एंड यूजेस ऑफ क्रैप वीव। क्रेप कपड़ों का विभिन्न घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। क्रेप के कपड़ों को स्कार्फ, शॉल, ड्रेस, इवनिंग ड्रेसेस, कैप्स, हाई फैशन और पर्दे आदि में इसको काम में लिया जाता है। आज के इस लेक्चर में आप समझ पाए होंगे कि मिसलेनियस वीव्स का क्रेप इफेक्ट हम किस तरह बना सकते हैं और उसके क्या उपयोग हैं, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये सब चीज़ें आज हम समझ पाए होंगे। आगे के मिसलेनियस वीव्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।